आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत मिनी सा हॉल मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने ख़रीदे हैं, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। मैंने लिया है फर्स्ट ये दो परफ्यूम जो कि हैं स्पेंस के, और ये डियो है, सॉरी ले एक मेल और एक फीमेल का है, तो ये दो पूरा कॉम्बो था, तो ये मैंने लिया है। ये अराउंड मुझे पड़ा है 181, वैसे इसकी MRP 180 पर सिंगल, मतलब ड्यू है, क्योंकि मैंने 260 के अराउंड ये शायद ये दो 260 के अराउंड मैंने ये लिया था। और इसकी फ्रेगनेंस आप कह सकते हैं कि ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन ओके ओके है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया है जो कि मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, इसको लेना है। मैंने लिया है मैजिक परफेक्टिंग बेस फेस प्राइमर जो मालियो का, ये है फेस प्राइमर। इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से है, और बहुत ही अच्छी इसकी ट्यूब जो है बहुत अच्छी है, और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पंप वे में होगी, लेकिन नहीं, ये पंप वे में नहीं है। ये इसका जो कैप है कुछ इस तरीके का बनाया गया है, बट इसका ये इस टाइप से है। तो इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और पैकेजिंग भी मैट फिनिश में है, और ये मुझे पड़ा 150 के अराउंड। हाँ, 150 के अराउंड मुझे ये पड़ा, और मुझे काफ़ी दिनों से इस प्राइमर का वेट था, तो मैंने फाइनली इसे ले लिया। नेक्स्ट मैंने पतंजलि का ये एलोवेरा जेल लिया है, ये भी मैंने एज अ प्राइमर डेली बेस के लिए मैंने इसे यूज़ करने के लिए लिया है। तो ये सौंदर्य का है, और इसकी MRP अगेन मेरे ख्याल से 50 के अराउंड कुछ होगी, शायद इस पर मैंशन नहीं किया हुआ यार, बहुत मुश्किल होता है मार्केट। 60 रुपीज़ का है शायद ये। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये दो आई शेडो पैलेट, एक न्यूड में है एक शिमरी है। तो ये है क्वीन मिनी का, क्वीन मिनी का ये आई शेडो, और इसके अंदर टोटल 12 कलर हैं, जो कि कुछ इसमें 4 से 5 कलर मैट में हैं, बाकी जो है कलर वो शिमरी कलर है, गोल्डन है, कॉपर है, और वाइट है, ग्रे है, अलग अलग तरह के कलर हैं। और इसके साथ एक एप्लीकेटर भी मिला है जो कि स्पॉन्ज के जैसे ही होता है, इसे आप डैप करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है वो, उसका MRP था 100 रुपीज़, और नेक्स्ट मैंने लिया है ये शिमरी आई शेडो, और ये शिमरी कलर है, इसमें 10 है टोटल, 2 रुपीज़ का पड़ा है, तो ये ले लिया एज आ यूज़ करने के लिए, देखते हैं कि ये सच में अच्छा है कि नहीं। नेक्स्ट मैंने लिया है बेक करने के लिए ये लग्जरी पाउडर, ये ADS का है, और ये मुझे पड़ा 80 रुपीज़ का। ये मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा है, और ये मैट है, मतलब बनाना जो पाउडर है आप इसे कंसीलर के बाद यूज़ कर सकते हैं एज ए सेट करने के लिए, तो बहुत। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ये ब्रश, इसका जो ब्रिजल्स हैं, मतलब इसके जो ये हैं ब्रश के ये ब्रिजल जिसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है, और बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेटर जो बहुत अच्छे से आपको जो फिनिशिंग देता है फाउंडेशन की, बहुत अच्छे से देता है। तो ये मैंने लिया है 100 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये फेस पैक अप्लाई करने के लिए ब्रश, ये मुझे पड़ा है 30 रुपीज़ का। यह है एक ग्लिटरी, ये मैक का है शिमर ग्लिटरी, ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है, ये गोल्डन कलर में है। और नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये हुडा के दो लिप शेड्स, एक दोनों न्यूड कलर में हैं, थोड़ा एक डार्क है थोड़ा लाइट है, तो इस कलर में है, थोड़ा बहुत अच्छे कलर है। एक कलर मैंने अप्लाई किया हुआ है ये वाला, और ये कलर बहुत अच्छा है, और ये मुझे पड़ा है 110 का सिंगल पीस। आई डोंट नो शायद ये कॉपी है या पता नहीं, बट ये इसका जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है, तो मैंने इसे एज अ ट्राई के लिए ले लिया है। ये जितने प्रोडक्ट मैंने लिया है ये अफोर्डेबल मेकअप है एक तरह से, तो उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, उसके लिए मैंने ये सब परचेज़ किया है, ये
देख सकते हैं आप। तो आपको ये मेरा बहुत मिनी मिनी हॉल कैसा लगता है? अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इस प्रोडक्ट के साथ एक अच्छा सा मेकअप लुक आपके लिए क्रिएट करूँगी और आपके सामने लेकर आऊँगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं, मैं बहुत जल्दी इसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।